कृषि कानून के खिलाफ जारी है किसानों का आंदोलन। कड़कड़ाती ठंड में भी डटे हैं किसान मोदी सरकार के खिलाफ। मांग पूरी होने पर ही खत्म होगा किसानों का आंदोलन। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस वक्त हम जो है दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे हैं। यहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं, जो किसान हैं, वो काफ़ी बड़ी तादाद में यहां पर पिछले 24 से 25 दिन हो गए हैं ये धरना आंदोलन फूटा गाड़ के बैठे हैं। पर कुछ लोग हैं जो किसान आंदोलन में पिछले कई दिनों से, हम उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? नाम हरविंदर सिंह है। कितने दिन से यहाँ पर जो है आप धरने में आए हैं? हो गया रिक्शा हुए। अच्छा, हाँ। आपको मोदी सरकार जो है आप लोगों की बात मानेगी? मोदी ने तो किसी गलती मने, मोदी ने किसानों से गलती मनी ना, सौदा करने तैयार है, हौली हौली बिल भी वापस लोगों। मोदी सरकार तो कह रही जो है कि आपके हित में, मतलब किसानों के हित में ये जो है कानून बनाया गया है, कानून लाया गया है। यार मोदी ने क्या पता चाह बेचने वाले, नहीं नहीं चाह बेचने वाले क्या पता किसान का यार, जोड़ा चाह बेच रहा उन्होंने किसान का क्या पता भी एक मैं क्या है उन्होंने तिने कानूनों का ना तो पता नहीं होना मोदी को भी नौ कहेगा अनपढ़ मंत्री बनाए हुए अपने। क्या नाम है आपका? सुखमंदर सिंह। कहाँ से आए आप? जीरा गाड़िया। क्या उम्मीदें लेकर आए हैं आप आए हैं? अभी ये जो कानून तीनों बनाए तीनों गलत कानून है, गलत कानून है। हाँ, ये कोई भी इंसाफ नहीं है। मोदी सरकार तो बहुत कुछ बता रही है कि जैसा कि जो कानून लाया है, पहले जो उनकी जो सरकारें थी उस सरकार में, जो पिछली जो सरकार थी उस सरकार में आपको, मतलब किसानों को फायदा नहीं पहुंच रहा था, जब से उनकी सरकार आई है तब से जो है डबल किसानों को फायदा हो रहा है। ये जो ये सरकार आई कोई फायदा नहीं है, पहला नोटबंदी मारे गए लोग, हुण मंडी बोर्ड बंद कर रहे हैं। कुलबीर सिंह। कहाँ से आप आए? फिरोजपुर से। कितने दिन से इस आंदोलन में शामिल है? दो दिन से पहले आए हम। दो दिन से पहले से। हाँ जी। क्या लगता है आपको, सरकार आप लोगों की बात मानेगी? मानेगी, मानेगी ना। आप लोगों ने खूटा गाड़ चुके हैं ना, ना कितना टाइम भी लगेगा। हाँ। हम यहीं बैठे हैं, मांगे मनवा के जाएंगे। हाँ। चाहे जितनी टाइम लगे, मांगे आपकी जो है पूरी होने के बाद ही आप जाएंगे? बाद में जाएंगे। अच्छा, लेकिन मोदी सरकार जो कह रही है कि जो कानून हमने लाया है ये किसानों के हित में है? ये हमारी हित में नहीं है। ये कानून लागू होने से जो मंडी बोर्ड है वो खत्म हो जाएगा। हाँ। जो किसानों की जमीन है उसमें जो ये अनानी अबानी है वो अपना हक जमाना चाहते हैं, वो हम कभी भी होने नहीं देंगे। आप कह रहे हैं मंडी खत्म हो जाएगा, वो कह रहे हैं कि मंडी जो है चालू रहेगा, मंडी खत्म नहीं होगा। वो लिखती में नहीं ना दे दे दिन चालू रहेगा, ठीक है ना? लिखती में देंगे भी तो जब ये पहले एक दो साल अडानी पानी है ना, जो हमारे को मंडी से बाहर दुगना रेट देंगे, जब किसान को रेट ज़्यादा मिलेगा किसान प्राइवेट माल देगा, जब दो साल बीत जाएंगे उसके बाद मंडी बोर्ड खत्म हो जाएगा तो फिर वही रेट जो 1800 देंगे चोने का अपनी मर्जी से 1000 में लेंगे। जिस तरह से पिछले 24 से 25 दिन से यहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस बीच जो है कई मंत्रियों के अलग अलग बयान आए हैं और 5 से 6 बार अमित शाह से लेकर अन्य जो है मंत्री जो है आप लोगों से बात कर चुके हैं, लेकिन बात नहीं बनी है। कहीं ना कहीं इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि जो किसान आंदोलन हो रहा है इसके पीछे कोई राजनीतिक जो है सपोर्ट है। राजनीतिक सपोर्ट कैसे है? देखो, जहाँ पे राजनीतिक नेता कुछ भी किसी को स्टेज पे आने नहीं देते, किसानों का ही सारा चल रहा है आंदोलन और किसान ही मांग कर रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक तो सभी चाहते हैं, राजनीति सभी ऐसे ही कानून लाना चाहते थे, राजनीतिक सपोर्ट नहीं है, किसान ही करना चाहते हैं, किसान ही आंदोलन कर रहे हैं। मतलब आप लोगों को, मतलब कोई राजनीतिक के तरफ से चलाया नहीं जा रहा, आपके कंधे पे बंदूक नहीं चलाया जा रहा? बिल्कुल नहीं, नहीं। यहाँ पर कितने लोगों की तादाद है यहाँ पर फिलहाल? फिलहाल हैं 2-2.5 लाख लोग चारों बॉर्डर पे। कितने किलोमीटर तक के रेंज में लोग यहाँ पर फिलहाल? 15-20 किलोमीटर तक है। अच्छा, किसान जो है अगर उनको कोई आपत्ति है इस कानून से तो वह हम उनसे समझौता करने के लिए तैयार है, उसमें फेर बदल करने के लिए तैयार है। किसान जो चाहते हैं ना, किसान चाहते हैं जो एक ही बात पे ज़्यादा आपत्ति है किसान को, MSP पे। वो MSP लिखती नहीं देना चाहते हैं, वो कानून नहीं बनाना चाहते। हम तो कहते हैं एक लाइन लिख दो आप,
इससे कम नहीं बिकेगा, जो एमएसपी का रेट इससे कम नहीं लेगा कोई भी, अगर लेगा तो उनके लिए कोर्ट का प्रावधान हो। क्या तकलीफ आ रही, मतलब एमएसपी में क्या ऐसी मतलब तकलीफ है जो आपको वो बदलना है? देखो एमएसपी आज नहीं है, प्राइवेट प्लेयर आ रहे हैं, मंडी में प्राइवेट प्लेयर आएंगे, एक दो साल देंगे रेट, उसके बाद मंडी खत्म हो जाएगी, मंडी में कौन लेके जाएगा? प्राइवेट स्कूलों का देखो जैसे हाल है, अभी प्राइवेट स्कूल आ गए, सरकारी स्कूल का क्या हाल है? बच्चा होता ही नहीं कोई भी, अपनी मनमर्जी का रेट ऐसे ही चलेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं एमएसपी हो, प्राइवेट प्लेयर आए कोई बात नहीं है, पर एमएसपी हमें गारंटी चाहिए उनकी, बस गारंटी में दे हमें, वो नहीं देते हैं, वो कहते लिखती देते हैं। अगर वो मोदी सरकार आप लोगों की बात नहीं मानती है तो आप लोग कब तक यहाँ पर आंदोलन चलेगा? 6 महीने भी चलेगा, साल भी चलेगा, क्योंकि लोगों में उत्साह बढ़ा है, पहले से बढ़ा है, लोग ज्यादा आ रहे हैं, लोग 2 जा रहे हैं तो 10 आ रहे हैं गाँव गाँव से, बड़ा उत्साह बहुत है, कोई कमी नहीं है किसी चीज की, ठंड भी कितनी है, इसके बाद 2 महीने और ठंड है, चलेगा, जे मोदी को झुकना ही पड़ेगा। देखिए जो 3 कानून बने हैं वो किसान हितैषी नहीं है, अगर वो किसान हितैषी होते तो ये इतने लाखों लोग या लाखों मजदूर किसान व्यापारी सभी इकट्ठे शामिल हुए हैं, वो अब इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि वो हर वर्ग के लोग इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये किसान हितैषी नहीं है, मजदूर हितैषी नहीं है, व्यापारी के हितैषी नहीं है जी। आप कह रहे हैं किसान यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लेकिन लोग जो है जो पीछे से जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग है यहाँ पर इस आंदोलन में। देखिए सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो गया, ठीक है, सरकार बनती है लोगों ने बनाई है ना सरकार, तो लोगों को अगर सरकार बनाई है तो ये सरकार के जो नुमाइंदे हैं जो ऐसे बोल रहे हैं कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी है, ऐसा नहीं है जी। आपने अभी देखा होगा कहाँ आपको ऐसा लगा है कोई, हमारा अधिकार है लोकतंत्र में कि हम अपना एजिटेशन हमारा चल रहा है और हमें ये अधिकार है, वो कोर्ट ने खुद का है, परसों का बयान आप देख लीजिए कि आपका जो अधिकार है वो आप उससे शांति से कर सकते हैं, सरकार के तो ऐसे बोलेगी क्योंकि सरकार को पता है कि ये हमने कानून बना दिए हैं, वो सरकार भी ये जानती है कि ये गलत हैं, लेकिन सरकार को अब ये ऐसा हो गया कि उनकी हेठी होगी इसके साथ, अगर वो इसे वापस लेते हैं सरकार को, वर्ल्ड वाइड में जैसे मोदी की छवि बनी है, वो बोलता है मोदी झुकता नहीं है, मोदी जो अपना डिसीजन ले लेता है वो 56 इंच की छाती है वो ऐसा, अब उसको ये है कि अगर मेरे को ये कानून वापस लेने पड़े तो जो संसार में जो मेरी गोदी मीडिया ने बनाया हुआ है कि ये इतना बड़े लीडर पहली बार आए हैं, वो उनको इस बार झुकना पड़ेगा क्योंकि ये लोगों द्वारा सरकार बनाएगी और उनको झुकना ही पड़ेगा, आज झुक जाएं कल झुक जाएं, किसान तो लगभग अपना प्रबंध करके आए, जैसे पूरी तैयारी करके आप लोग आए? बिल्कुल बिल्कुल, हम तीनों कानून जब तक अदनी होंगे यहाँ से उठेंगे नहीं। इस कानून में मतलब क्या ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, जरा एक बार आप फिर से बताइए। देखिए तीनों कानून जो बने हैं वो किसान के लिए, आप देख लीजिए, आप अभी सरकारी मंडी थी पंजाब में, यूपी का जो किसान है उससे पूछ लीजिए बिहार में क्या हाल है, बिहार में ऐसा नहीं है कि कम पढ़े लिखे हैं, अच्छे सभी किसान जानते हैं ये क्या है, लेकिन जब वहाँ पर सरकारी मंडी नहीं है, उनका धान 500-600 रुपये बिकता है, वो वहाँ से व्यापारी बिहार से यूपी से धान लेकर पंजाब में बेचते हैं, ठीक है, अगर ये पंजाब में वैसा कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब के किसान को अभी ये पता है कि ये क्या कर रहे हैं, जब हमारे सरकारी मंडी में 167 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से सरकार को टैक्स देना पड़ता है, जब ये प्राइवेट मंडी आएगी इनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये अपनी मर्जी से 1-2 साल अच्छी तरह रेट देंगे किसान को, उसके बाद ये क्या करेंगे, अपने मर्जी से एमएसपी नहीं है ना, अपनी मर्जी से ये फसल की खरीद फरोख्त करेंगे, और हाँ बिल्कुल, मतलब इसलिए आप लोग को डर है कि जो है ये अपनी मर्जी से चलाएंगे करने महंगा बेच। लेकिन एक बात ये है, जिस तरह से उन्होंने बताया कि पिछली जो सरकार थी नरेंद्र मोदी की सरकार से पहले किसानों को जो है मतलब जो आय था, जो अनाज बेचते थे वो कम रेट में बिकती थी, कम रेट में बेचा जाता था, लेकिन जब से इनकी सरकार आई है पिछले 6 सालों से काफी बढ़त किसानों को हो रही है, आपको कहाँ दिखता है? देखिए जो मोदी साहब कह रहे हैं, मोदी साहब के कहने से क्या होगा, वो तो कल अभी कह रहे थे कि 10,000 या 20,000 किसान बैठे हैं सिंघू बॉर्डर पर, और जो उन्होंने कल वर्चुअल रैली में बोला एमपी में कि मेरे साथ तो वर्चुअल रैली में 35 लाख लोग मेरे को सुन रहे हैं, वो यहाँ को 10,000 बता रहे हैं और कल उनके भाषण को बता रहे हैं कि मेरे एक रैली में 35 लाख लोग थे। अच्छा एक बात और बताइए मुझे, जो उनकी ये जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों को जो संबोधित रहे थे वो लोग कौन थे किसान, और यहाँ पर जो बैठे वो कौन किसान है? देखिए ये असली किसान ये है, वो किसान ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि वो किसान नहीं है, किसान जुड़े हैं, किसान भी हैं, लेकिन वो सरकार का प्रोपोगंडा है, वो सरकारी नुमाइंदे थे, आप देखिए सभी जगह वो सरकारी नुमाइंदे बैठे हुए थे, और वहीं एक कल मैं बताऊं, कल एक किसान वहीं ग्वालियर में
और वो बोल रहा था कि मेरे को सरकार ने पाइपलाइन के लिए एक चेक दिया है। जब उनसे पूछा गया कि चेक, वो बोलता है कि मेरे को खाली सम्मान पत्र दिया गया, वो चेक नहीं था। ठीक है ना, ये है मोदी सरकार की सच्चाई। अगर वो भी किसान से पूछा गया कि आप हिमायत करते हैं, उसने बोला मैं बिल्कुल इसका हिमायती नहीं हूँ इस कानून का। भाजपा के लीडर ने भी कह दिया हरियाणा में, आज तो उनका एक लीडर में कल उसने भी सिंह जी ने बयान दिया है। ठीक है, भाजपा के खुद के बंदे भी देखो वो भी चाहते हैं, उनको भी पता, आरएसएस के बंदे भी चाहते हैं, आरएस की जो उनकी इकाई है किसान की, वो भी चाहते हैं ये कानून गलत है, उनको भी पता है, मोदी जी को पता है, और बात ये झुकना नहीं है। चाहे किसान है, चाहे कोई आरती है, चाहे व्यापारी, चाहे मजदूर वर्ग, क्या सभी वर्ग जो है इस तीनों कानूनों को वापस करवाने के लिए तत्पर है। ये किसानों के लिए नहीं, पूरी मनुष्यता और पूरी लोक हित के विरोधी है। ये कानून वापस होने चाहिए। जब पूरी पब्लिक बोलती है कि ये कानून गलत है, तो उन लोगों को हमें सुधार देना, जे अच्छे है, जे बिल्कुल गलत है। जब पब्लिक नहीं चाहती तो उन कानूनों को वापस लेना चाहिए। लेकिन एक बात और मुझे ये बताइए कि अपने बार बार जो है बयान में, अपने भाषण में बार बार कहते हैं मोदी जी कि ये कानून अभी नहीं आई है, 6 महीना पहले से लागू है। पब्लिक ने तो उदो भी प्रोटेस्ट किया था, पब्लिक अभी भी नहीं चाहती है। जब मैंने पहले बोला है, जब किसान मारू है, लोक हित मारू है, सभी वर्गों को मारू है, तो फिर वापस लेने चाहिए। वो ये किसान अकेले के नहीं, आरतियाँ के, व्यापारी वर्ग के, मजदूर के, सभी के अगेंस्ट है। इसीलिए जब पब्लिक चाहती है तो इसको वापस होने चाहिए। और मैं कहूंगा कि जिस तरह से वो ये कह रहे हैं कि जो है जब हमारी सरकार नहीं थी तब जो है क्रेडिट कार्ड जो होता था किसान का, किसानों का जो क्रेडिट कार्ड जो दिया जाता था वो किसी किसी को मिलता था, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है उसे क्रेडिट कार्ड जो है मिल रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड मिल रहा है। आपको मिला है क्या? नहीं मिला, हमें नहीं मिला। आपको मिला है? किसान क्रेडिट कार्ड लेके फायदा क्या है? उसकी ब्याज इतनी है, कहाँ से लोन भरा जाएगा? वो लोन तो नहीं भरा जाता, एक बार ले लेते कहाँ से भरेंगे? किसी को सर ऐसा ना, आपने बोला है हरियाणा में, यूपी, बिहार में 600-700 रुपये तक झोना खरीद के 1880 रुपये कर पंजाब में पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? बड़े स्टोर ये आरती व्यापारी जो यूपी से खरीद के, अगर MSP उधर भी लागू होती तो फिर बेनिफिट बेचने के लिए कौन पंजाब में वो झोना लेकर आते हैं? अगर 2-3 साल जो लोग बरकरार रखेंगे और बाद में पंजाब को बर्बाद करने के लिए जो है इन लोगों ने पॉलिसी तैयार की है, और पंजाब ने पूरे देश के लोग जो है किसान वर्ग हो चाहे व्यापारी वर्ग हो, सभी लोग चाहते हैं कि ये तीनों कानून जो है वापस। आप लोग जिस तरह से कह रहे हैं तो क्या मतलब मोदी सरकार कुछ भी नहीं की है पिछले 6 सालों में? कुछ तो अच्छाई की होगी। नहीं, हमने हमने क्या किया है? क्या किया है? नोटबंदी है, जो भी वो भी गई, GST वो भी गई है, तीनों कानून जड़ी है वो भी गए, 370 है, ये तो 56 इंच का सीना बोल रहे हैं भाई। जे पंजाबी लोग जड़े है किसान वर्ग लोग जड़े है व्यापारी कभी नहीं चुकेंगे, ये तीनों कानून वापस करवा के ही हटेंगे। आप क्या कहेंगे, कोई भी काम नहीं किए है? कुछ नहीं किया, इसने 6 साल में सब किसान खत्म कर दिए, किसान का सभी तबका ही खत्म कर दिया, हर एक दुकान खत्म कर दी, सभी किसान खत्म हो गया, जो बिजनेस है सभी खत्म हो गए, किसान तो क्या सभी बिजनेस खत्म हो गए, अब खूंटा गाड़ चुके हैं यहाँ पे। हाँ, जब तक ये कानून तीनों कानून वापस नहीं लगा जहाँ से नहीं हिलेंगे। सरकार अगर कुछ बदलाव करती है उसमें तो आप लोग मान जाएंगे? नहीं, बदलाव भी क्या, लोगों का जवाब है कानून वापस होने ही चाहिए, कानूनों को वापस लेना ही पड़ेगा। देर आज लो, मतलब आप लोग बदलाव उसमें कुछ चाहते नहीं है, यानी कानूनी कानून वापस करें, उसके बाद किसानों के साथ बैठकर कानून नया कानून लेके आए, नए बिल लेके आए। लेकिन मैं फिर आप लोग को बोलूंगा कि वो बार बार कह रहे हैं कि मंडियां बंद नहीं होगी, मंडियां चालू रहेंगी, जो अनाज आप जो है 1200 में बेचते थे वो आप जो है अब आजाद हो गए, आप मंडी में ही नहीं सिर्फ आप कहीं भी बेच सकते हैं अपनी रेट में। हम पहले भी आजाद थे, हम कहीं भी बेच सकते थे पहले भी। पहली बात तो ये, पहले भी कोई नहीं रोका, पहले भी कोई गुलामी नहीं थी, आजाद थे हम। ठीक, अभी वो कह रहे हैं 15 लाख आएगा, आया 6 साल अगर उन्होंने कहा 15 लाख आएगा, आया किसी को? अभी कह रहे हैं मंडी खत्म नहीं होगी, क्या कहें? कितने बार स्वामीनाथ हम रिपोर्ट लागू की उन्होंने, कुछ भी नहीं किया, जो जो वादे किए कुछ किया ही नहीं उन्होंने, हम कैसे यकीन करें? नोटबंदी की कोई आया पैसा? नोटबंदी की उनको फायदा आया? मतलब आप लोगों को भरोसा नहीं है, उन्होंने जमाखोरी को बढ़ावा ही नहीं है। इसमें किसके पास किसान क्रेडिट कार्ड है, किसी के पास है क्या? किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। अभी जी आप जरूर दिखाना, आप कह रहे हो किसान क्रेडिट, हमारे पास तो कितने लोग हैं, 150 लोग। आप लोगों के खाते में 2000 रुपए आते हैं,
वो तो दिया, वो लालच दिया, वो किसान दो दो हजार रुपए खाते में आते हैं, हजार रुपया दे के हमसे सब कुछ ले रहे हैं। वो जिस तरह से उन्होंने कहा था कि किसानों को दो दो हजार रुपए मिल रहे, इनमें से किसको किसको मिल रहे दो दो हजार? वो अपने घरों नहीं दे रहे, वो दो हजार हम वापस करने के लिए तैयार है, वो कानून वापस करे, वो दो हजार वो ब्याज समेत वापस ले ले, दो हजार हम देने को तैयार है, कानून वापस करे। जो 2000 रुपया देने की बात की ना उसने, वो तो एक मच्छी को पकड़ने के लिए थोड़ा सा मांस लगाना पड़ता है ना, वो कुंडी के आगे मांस लगाते हैं, वही लगाया, वो कैसे किसान को अपने जाल में लेंगे, उसके बाद किसान छूटेगा नहीं, वो सिर्फ एक किसानी का काम करते ही रह जाएंगे, उसको कोई सहूलत नहीं मिलने वाली, वो सरकार की मर्जी से काम करेगा किसान। आप भी देश के नागरिक हो, आपने पहले सवाल पूछा था कि उन्होंने कुछ नहीं किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके खाते में 15 लाख आया? आप ये जुमलों की सरकार है, जुमलों की बस जुमले इनके पास, और कुछ नहीं मिला। नौजवानों को बोला था मैं 1 करोड़ को रोजगार दूंगा, दिया किसी को? किसको दिया है? ना 15 लाख खाते में जमा किए है, उल्टा जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, गया 3 करोड़ ला के पेमेंट के उल्टे सीधे ऐप बना दिए हैं, ये पेमेंट पेटीएम करो, ये करो, उनमें से पैसे कभी कट जाते पता ही नहीं लगता, अनपढ़ बंदे को तो पता ही नहीं लगता कब पैसे कट गए और कहाँ कट गए, कौन ले गया। मतलब कुल मिला के आप लोगों को भरोसा नहीं है, नहीं ये कानून वापिस लेना चाहिए, ऐसा आप लोग का कहना है। उन्होंने आदमी के लिए बनाया कानून, अमीर आदमी के लिए उसको ऐसा कानून बनाया, एक जाल बनाएंगे, जाल के बीच सारे किसान और मजदूर सारे खित्ते है काम करने वाले सारे रोजगार है, वो एक अमीर के हाथ में आ जाएंगे, अमीर के हाथ में वो कितना काम करेगा, जैसे आगे बोलते थे खाया पिया लाहे का बाकी अहमद शाहे का, ऐसा बोलते थे ना, वही काम इसे नहीं किया, सारा पैसा निचोड़ के अपने गोदाम में करेगा, अनाज गोदाम भरेगा, उसके बाद जब इसकी मर्जी होगी, देखो पब्लिक के पास कुछ नहीं है, उसके बाद वही 5 रुपए की खरीदी हुई चीज वो 150 रुपए चलेगी, और अभी भी एक खेत में गन्ना होता है उसका छोटा छोटा गनेरी काट के एक और रुपये का नहीं होता, जो 43 रुपए का प्रिंट रेट मॉल में मिलता है, उससे समझ लेना चाहिए, यही कमाद यही जमीन हड़प करेंगे गरीब किसान के लिए कुछ। वो यही ये तो बोल रहे हैं कि किसी की जमीन हड़पी नहीं जाएगी, और जिसका जो चीज जैसा है वैसा ही, एक कानून ऐसा बनाया तुमको माल में नहीं पड़ेगा, ये कैसे हड़प करना है? मैं आपको जरा जवाब दे दूं, मैंने सोशल मीडिया पे एक ऐड पढ़ा है कारपोरेट का, अंबानी के तरफ से था वो, के ये कानून किसानों के हित के लिए है, उसको क्या जरूरत है इस कानून की ऐड करने की, ये सरकार का और किसान का पंगा है, उसको क्या जरूरत है इस बात की ऐड करने की ये कानून का किसान के हित में है, उसको जरूरत यही है क्योंकि ये कानून उसके लिए है, आप तभी वो ऐड कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं? पंजाब से हैं। और जो है आप किसान हैं? हाँ जी किसान है। आप भी किसान हैं? जी आप भी किसान हैं? सभी किसान है यहाँ। आप लोगों को खेती में होना चाहिए तो यहाँ पे क्यों मतलब चले? जब हमारा जमीन हड़प्पा जा रहा है, हमें जमीन मैं आपको पंजाबी में एक शेर बोलने वाला हूँ के मान, चलो हिंदी में बोल देता हूँ, मान गए मोदी तुम्हारी बड़कों को बिल्डर खेतों में, मान गए मोदी तुम्हारी बड़का ते बिल्डर खेतों च ते किसान सड़कों ते, ए ओदे ही काम आ, मोदी दे काम आ, सानू शौक नहीं पिया सड़कों ते बैठण दा, साडे दा बहुत काम आ। एक आखिरी सवाल, एक आखिरी, आपको ये शर्ट की जरूरत है, मैं बोलूं जराबे पहनो आप पहनेंगे? आपको पानी की जरूरत है, हमको रोटी खाओ आप खाएंगे? इसलिए मोदी सरकार जो किसान को चाहिए वो तो दे ही नहीं रहा, उससे तो बात ही नहीं कर रहा। देता था तो उन्हें पजामा सुन, वो तो गला पकड़ के भला कर रहा है, गला पकड़ के अन्नदाता है तो प्रैक्टिकल लिया, ये अपने खेतों चो उगा के ले आया,
इत्थे भी सारे वास्ते लंगर लाया। ये साडे गुरु नानक का सिद्धांत आ, किरत करो, नाम जपो, वंड छको, सरबत का भला करो। असी किरत भी करते हैं, असी लेके भी आए हैं, असी लंगर भी लाए हैं। इत्थे कोई ये लंगर नहीं है, ये किसान छकेगा, ये सरदार छकेगा, ये हिंदू छकेगा, ये नहीं है। कोई भी आए भूखा वो छकेगा। ये हमारे गुरु नानक का सिद्धांत है किरत करनी। हम लोग किरत करना जानते हैं। सिख सिद्धांत दे विच किसान जिहड़ा हैगा ना, ओह किरत करके दसवंध गुरु के लिए कढ़दा है। टैक्स तो सरकार को देते हैं हम लोग, वो तो धक्के से ले जाती है। उसके बाद हम लोग अपना दसवंध भी काटते हैं। जो एक खेत में 10 बोरी होगा ना, उसमें 1 बोरी हम गुरु के नाम के लंगरों के लिए निकालते हैं। अगर कानून में कुछ बदलाव होता है, कुछ फैसला होता है, आपके जो किसान आंदोलन के जो मेन नेता है, जो संगठन है, वो लोगों में अगर कुछ बात बनती है तो आप लोग वापस जाएंगे? नहीं, बात बनते बनाने की बात ही नहीं है, कानून वापस करना है। एक कानून आपको किसी को समझ बोलता लगता है अनपढ़ है, अनपढ़ नहीं है। हम लोग सब पढ़े हुए हैं। अभी हम तुम्हारा भोजन तुम्हारे हाथ से खोले, आपको मालूम पड़ जाए भी भोजन खोया जा रहा है, आप लोग क्या करेंगे? आप लोग धक्का करेंगे ना, पूछेंगे ना क्यों खोया जा रहा है? वही बात है कि मोदी को समझ आना चाहिए। जिस दिन पहले दिन संघर्ष शुरू हुआ था तब 1 किलोमीटर तक लाइन थी, आज 21 दिन में 21 किलोमीटर तक लाइनें पहुंच गई हैं। जितने दिन संघर्ष बढ़ता जाएगा उतने दिन ही ये लाइनें किलोमीटर बढ़ते ही जाएंगे। अंबाले तक इधर से जयपुर तक ये रोड जाम हो जाएंगे, क्योंकि आज थोड़ा पता चला है कि प्रधानमंत्री जी सुबह 6 बजे बंगला साहब गुरुद्वारे गए हैं अपनी भूल बख्शाने के लिए, अपनी जी भुल बख्शाने वास्ते गए ने। सो एक सानू जित की निशानी जी उम्मीद आ वह जागी आ कि हुण ये स्टेज पर आण के तिने कानून भी रद्द करेगा तो साड़ी जी झंडा जी गड्डिया दी हिक ते दिल्ली दी आण के साड़ी फतेह होने वाली आ। जकारा ही छड़ दियो मेरे मैं फिर वही कहूंगा, अगर कुछ बदलाव होता है इस कानून में, जैसा कि वो कह रहे हैं MSP हटेगी नहीं और भी जो उसमें है उसमें से हटेगी नहीं, कुछ बदलाव होंगे तो ये, यानी कुछ बदलाव अगर होते हैं तो आप लोग मानते हैं? नहीं नहीं, आप लोग चले जाएंगे? नहीं 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 नहीं, ये कितने किलोमीटर जो है, कितने किलोमीटर के दायरे में लोग जो है किसान आंदोलन चालू है? 25-30 किलोमीटर में अभी तक है, साइडों में भी फैले हुए हैं, सीधे नहीं साइडों में। अभी कम से कम अभी लोग जेड़े बिल्कुल पूरी तेज रफ्तार से इधर को आ रहे हैं, पंजाब से, राजस्थान से, यूपी से, अभी चारों तरफ से दिल्ली को घेरा डाल लिया है। ते बहुत वड्डा जिहड़ा संघर्ष है दुनिया तो, मतलब ये इंडिया कंट्री नहीं, कम से कम 27 यूरोप कंट्रियां, उन्होंने पूरा जो इंडिया पे प्रेशर पाया, जो प्रधानमंत्री मोदी पे पूरा प्रेशर है कि वो उसके दबाव के नीचे भी ये काम उसको करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि ये कानून जो हम ला रहे हैं वो आपके फायदे के लिए है, आपके पक्ष में है, फिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं? कौन बोलता है? आपने कभी कानून पढ़ा है क्या? कानून जो तुम्हारी जमीन छीन ले, तुम्हारा खाना छीन ले, जो कानून में लिखा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे खेती देते हो, इस कानून में ऐसा लिखा है? हाँ लिखा है कि आप कोई सरकारी केस नहीं कर सकते, सिर्फ आप BDO तक या SDO तक सहमत रह सकते हो। तो वो तो ऊपरले ग्रानों के बीच के जेब में है ना, वो SDM वगैरह तो सब, हमारी तो कोर्ट में कोई बात नहीं सुनी जाएगी ना हम केस कर सकते हैं, तो हमारे हक में कैसे होगा? हमारे मतलब फेवर में ये, हमारे फेवर में ये नहीं है। अब तीनों कानून रद्द होंगे तभी यहाँ से जाएंगे, अभी तो पक्के डेरे डाल लिया, 1-2 साल जाए इसकी, अगली सरकार को गिराने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। ये हमारा पूरा यहाँ पर खूंटा गाड़ चुके हैं, यहाँ से आप हिलेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं हिलेंगे भाई, बिल्कुल नहीं हिलेंगे। तो देखा आपने जिस तरह से लोग यहाँ पर जो किसान आंदोलन में आए हुए हैं, पिछले 24 दिन हो चुके हैं, यहाँ पर खूंटा गाड़ चुके हैं कि मोदी सरकार 3 कानून जो कृषि कानून है उसे वापस ले और जो है तभी यहाँ से जाएंगे। ये किसान दरअसल खेतों में होना चाहिए था, ये किसान वो है जो अपने घर परिवार को छोड़कर जो है इस सिंघू बॉर्डर पर लगभग यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में ट्रक में और ये ट्रैक्टर में अपने झोपड़े बनाए हैं, मंडप डाले हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांग को लेकर जो है अड़े हुए हैं। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।